देवताओं ने प्रभु कृपा से अमृत पी लिया, लेकिन देवता कहां इतनी सहजता से मानने वाले थे। अमृत पीने के बाद उन्होंने असुरों को हरा दिया, स्वर्ग उन्हें मिल गया। लेकिन इधर जब समुद्र मंथन चल रहा था तो बार बार देवताओं के गुरु उनकी रक्षा कर रहे थे, और इधर जैसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने जब अपने शिष्यों को पराजय देखा, यद्यपि वो शिष्य उनके गलत संकल्प पे थे, लेकिन गुरु का तो प्राण होता है उसका शिष्य, गुरु का तो तप, उसका जप, उसकी साधना, जैसे पिता का सब कुछ उसके पुत्र का है, ऐसे गुरु का सब कुछ उसके शिष्य का है। ये गुरु और शिष्य का संबंध जो है, ये पिता पुत्र के संबंध जैसा है लेकिन उससे बहुत ऊंचा है। लेकिन पिता, क्योंकि पिता आपको लेके आया यहां इस सृष्टि में, और गुरु आपको लेके जा सकता है वहां परमात्मा के धाम में। जैसे आपके साथ आप धन कमाते हैं तो एक सीए की आपको जरूरत होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपका हिसाब रखता है कि कितना धन आया, किस किस खाते में गया, कैसे कैसे क्या व्यवस्थित रखना है। ऐसे ही जो गुरु होता है, जो गुरु होता है वो आपके पुण्यों का लेखा जोखा रखता है। वो आपका मन नहीं करेगा लेकिन जबरदस्ती आपसे कहेगा ये करना है, भागवत जी होनी है, करो, इसमें आपको करना है। आप कम करोगे वो आपसे अगर अधिकार समझा कहेगा अपेक्षा से कम है, देखो आपको भंडारा भी करना है, क्योंकि वो जानता है कि आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपके साथ आपके पुण्यों की पोटली साथ में रहनी चाहिए, वरना आपके इर्द गिर्द चारों तरफ असुर घूम रहे हैं। कौन असुर? मनुष्य नहीं, जो देव जो आपके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि अमृत पिए हुए देवता स्वर्ग में शासन करते थे, लेकिन उनको एक बार फिर वो अपनी वृत्तियों के गुलाम हो गए और वहां बिना अमृत पिए हुए असुरों ने उनको फिर से हरा दिया। एक बार फिर असुरों का स्वर्ग पर कब्जा हो गया, अमृत पिए हुए देवता अपना घर हार गए। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, सब कुछ है आपके पास, लेकिन मन पे नियंत्रण नहीं है तो ये शरीर आपका कितना भी मजबूत हो, आप कितने भी धनवान हो, आप कितने भी श्रेष्ठ हो, यकीन मानिए क्षण में सब निकल जाएगा, शरीर गुब्बारे की तरह फूट जाएगा, और अपार धन संपत्ति वैभव जिनके पूर्वजों के नाम से इस धरती को जाना जाता था, आज उनका कोई नाम लेवा न पानी देवा हो गया है, क्योंकि जो नारायण से बिलग हुआ, परीक्षित के मन में एक क्षण ख्याल आया नारायण के विपरीत, तत्क्षण तो सामने काल खड़ा था। तो जैसे ही आप धर्म से विमुख होते हैं तो गुरु आपको बार बार वहां लेके आता है, लेकिन आप अपने गुरु को यह अधिकार दें कि गुरुदेव आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि गुरु तो तब बनेगा जैसे मंदिर में रखी हुई मूर्ति जागृत होती है, उसकी पूजा करने वाले पुजारी के भाव से, ऐसे ही गुरु जागृत होते हैं उसके शिष्यों के भाव से, तो वो व्यवस्थित करेंगे। तो जैसे ही शुक्राचार्य ने देखा कि मेरे शिष्यों को देवताओं ने छल से अमृत पी के मार दिया, तो उसने संजीवनी से सबको जीवित कर दिया। एक बार पुनः असुरों ने गुरु आशीर्वाद से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया।
लेकिन वो स्वर्ग पे कब्जा इस बार फिर से गलत संकल्प से किया गया है। वो बृहस्पति को अपने आंगन में बिना आसन के नीचे बिठाना चाहता है, वो इंद्र को अपना चाकर बनाना चाहता है, वो अप्सराओं के नृत्य देखना चाहता है। इस उद्देश्य से उसने स्वर्ग पे कब्जा किया। उसका उद्देश्य परमार्थ नहीं था, उसका उद्देश्य सृष्टि का कल्याण कभी नहीं था। देवताओं को खड़ से बखाड़ दिया। देवताओं की मां अदिति रोती हुई पहुंची भगवान के पास कि मेरे पुत्रों को तो घर से फिर से निकाल दिया, प्रभु रक्षा करें। भगवान ने कहा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बलि के साथ उसके गुरु मौजूद हैं, वो उसकी रक्षा करते रहेंगे, वो उसे सूत्र बताते रहेंगे, वो उसके पुण्य कमवाते रहेंगे, और जिसके पास पुण्यों की पोटली है, जो बहुत बड़ा परमार्थी है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इस बार शुक्राचार्य को लगा कि मैं अपने शिष्यों को अब असुर नहीं रहने दूंगा। ये जो इनकी आदत है कि किसी का कुछ माल खींच के चुरा के छीन के ले आए और अपने आंगन में बांध लिया, ये जो इनकी इस तरीके का जो इनका भान जगत में है कि ये अत्याचारी हैं, ये दस्यु हैं, मैं अब इनका ये परिचय अलग करूंगा। गुरु ने उनको यज्ञ करना सिखाया, उनसे कहा यजते पुरुषम परम, तुम यज्ञ करो। बलि ने पूछा ये जो स्वर्ग है ये इतना सुंदर है, यहाँ की इतनी सुंदर ललनाएं हैं, यहाँ के इतने सुंदर वैभव हैं, यहाँ इतनी सुंदर हरितिमा है, यहाँ कंचन जैसी सुंदर नदियां हैं, यहाँ के वृक्ष इतने सुंदर हैं, यहाँ की धरती बड़ी उपजाऊ है, गुरुदेव मैं इस पर पक्का कब्जा करना चाहता हूँ, मैं बार बार युद्ध नहीं लड़ना चाहता। गुरुदेव ने जैसे ही देखा कि शिष्य स्वर्ग का अधिपति बनना चाहता है, गुरुदेव ने कहा तुझे छीना झपटी छोड़नी पड़ेगी, ये जो तेरा आचरण है ये बदलना पड़ेगा, तुझे यज्ञ करना पड़ेगा। तो आज शुक्राचार्य ने सोचा कि इनका जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ में जाने वाला है, इनका जीवन तो व्यर्थ हो रहा है मेरे शिष्यों का, चलो इनसे यज्ञ कराते हैं। अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, जो सदैव ईश्वर को अपना शत्रु मान बैठे थे, जो सदैव छीना झपटी कर रहे थे, आज स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं।